आज हम बात करेंगे सामान्य संभाव्यता वक्र के बारे में। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञान में उपयोग में लाने जाने वाली यह सांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण संज्ञा है। सामान्य से तात्पर्य है औसत। सामाजिक विज्ञान में व्यक्ति वर्तन में दिखाई देने वाली विशेषताओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रकृति के अनुसार जनसामान्य में भी सभी विशेषताओं का सामान्य संभाव्यता के अनुसार वितरण दिखाई देता है। ऐसी विशेषताओं का वक्र अगर बनाया जाए तो वो इस प्रकार से घंटाकृति दिखाई देता है। इसे ही सामान्य संभाव्यता वक्र कहते हैं। सामान्य संभाव्यता के अनुसार वितरण इस संकल्पना को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा मान के चलिए कि एक प्रातिनिधिक समूह में आपने बुद्धि परीक्षण करवाया। अब बुद्धि परीक्षण के जो आंकड़े आपको मिलेंगे, बहुत सारे समूह के बहुत सारे आंकड़े आपको मिलेंगे, उसको अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक आंकड़े जो आपको दिखाई देंगे संख्या में अधिक, वो सामान्य बुद्धि गुणांक के होंगे। इस प्रकार से जब वक्र बनता है तो यहाँ मध्य में सर्वाधिक प्रतिशत जो सामान्य बुद्धि गुणांक का होगा लोगों में, वो इस प्रकार से ग्राफ में ऊपर उठता दिखाई देगा। सामान्य बुद्धि गुणांक से ऊपर जिनका बुद्धि स्तर है वो लोग संख्या में कम होंगे, तो इस प्रकार से ये वक्र रेखा यहाँ नीचे आएगी। उसी प्रकार से सामान्य बुद्धि गुणांक से निम्न बुद्धि स्तर वाले जो लोग होंगे वो भी प्रतिशत में कम होगी, तो यहाँ पर भी वक्र रेखा ऐसे नीचे आएगी। तो इस प्रकार से सामान्य संभाव्यता के अनुसार वितरण होता है, तो ये वक्र रेखा घंटाकृति बनती है। इसे ही सामान्य संभाव्यता वक्र कहते हैं। किसी भी समूह के किसी भी चर पर प्राप्त प्राप्तांक प्रायः मध्यमान की ओर झुके हुए होते हैं। जब इन प्राप्तांकों के मध्यमान के दोनों ओर वितरण एकदम समान होता है तो प्राप्तांकों के इस प्रकार के वितरण को ही सामान्य वितरण कहा जाता है, और जब उसका आरेख बनता है तो उसे सामान्य वितरण वक्र कहते हैं। सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताएं। सामान्य संभाव्यता वक्र घंटाकृति आकार का होता है। यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है। कुछ छात्र परीक्षा में बैठे, उनके परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत हर व्यक्ति को, ये जो रोल नंबर है हम मान के चलेंगे 10, 20, 30, 40, ये बच्चों के रोल नंबर है, तो हर छात्र को कितने मार्क मिले उस हिसाब से इनका ये ग्राफ बनाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो मार्क मिले हैं वो औसत मार्क्स मिले हैं, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ ऐसे दिखाई दे रहा है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनको औसत से ऊपर मार्क मिले हैं और थोड़े कम बच्चों को औसत के नीचे मार्क मिले हैं। इसी प्रकार से सामान्य संभाव्यता दिखाई देने के बाद ये घंटाकृति आकार का वक्र बनता है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। वक्र के दो समान भाग करने वाली लंब रेखा जब क्ष अक्ष से मिलती है वहां प्रमाण विचलन का मूल्य शून्य होता है। आप समझते हैं ग्राफ में ये नीचे जो रेखा होती है अक्ष होता है, इसे क्ष अक्ष अर्थात एक्स एक्सिस कहा जाता है। उसी प्रकार से ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे य अक्ष या वाई एक्सिस कहा जाता है। तो वक्र रेखा के दो समान भाग करने वाली, देख सकते हैं आप यहाँ पर जितना ग्राफ का पार्ट है उतना ही भाग यहीं दिखाई दे रहा है, और ये बीच में जाने वाली सफेद कलर की जो सबसे लंबी रेशा है, ये रेशा जो है क्ष अक्ष से यहाँ मिल गई है, इसने ग्राफ के दो समान भाग बनाए हैं। तो ये मध्य रेशा जो होती है जो ग्राफ के दो समान भाग करती है वक्र के, ये क्ष अक्ष को जहां मिलती है यहाँ प्रमाण विचलन शून्य होता है। और ज्यादातर बार ये देखा गया है कि यही पर प्राप्तांकों के मध्यमान, मध्यांक और बहुलक का मूल्य भी होता है। शून्य से दाई और +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा अर्थात प्रमाण विचलन के ये निदेशक होते हैं। +1 प्रमाण विचलन, +2 प्रमाण विचलन और +3 प्रमाण विचलन। उसी प्रकार से बाई और -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा ये प्रमाण विचलन के निर्देशक होते हैं। वक्र का कुल क्षेत्रमान +3 सिग्मा से -3 सिग्मा इतना होता है। ये कुल जो क्षेत्रमान इसका माना गया है, ये शून्य से लेकर 3 सिग्मा इधर और -3 सिग्मा इधर यहाँ तक के कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि इसमें 99.9% केसेस जो है या प्राप्तांक जो है वो इस वक्र में आ जाते हैं। अगर हम क्षेत्रमान की बात करें तो ध्यान रखने लायक जानकारी ये है कि क्योंकि ये जो लंब रेशा है ये वक्र के दो समान भाग करती है, तो शून्य से लेकर +1 सिग्मा तक जितना क्षेत्रमान होता है उतना ही क्षेत्रमान या उतना ही प्रतिशत
शून्य से लेकर माइनस वन सिग्मा तक होता है और वैसे ही आगे। तो मध्यमान से लेकर अर्थात शून्य से लेकर प्लस वन सिग्मा या माइनस वन सिग्मा तक कुल 34.1% लोग होते हैं, या 34.1% केसेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसी प्रकार से शून्य से माइनस वन सिग्मा तक भी 34.1% आपको मिलेंगे। उसी प्रकार से 1 सिग्मा से 2 सिग्मा तक का ये जो प्रतिशत है ये कितना होता है, तो ये 13.6 अर्थात 13.6। उसी प्रकार से 1 टू 2 सिग्मा के बीच में भी वही क्षेत्रमान दिखाई देता है। 2 सिग्मा से 3 सिग्मा तक जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ वक्र रेखा काफी नीचे आ चुकी है, 2.1, और 2 से 3 सिग्मा माइनस में भी 2.1 और प्लस में भी 2.1, इस प्रकार का क्षेत्रमान वक्र का दिखाई देता है। सामान्य संभाव्यता के उपयोग। सामान्य संभाव्यता वक्र, या जिसे कहते हैं सामान्य संभावना वक्र, के संबंध में ये पहले ही कहा जा चुका है कि मनोविज्ञान और शिक्षा क्षेत्र में ऐसे बहुत से चर हैं जिनका वितरण सामान्य संभाव्यता वक्र के अनुरूप होता है। मापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में सामान्य संभावना वक्र का विशेष उपयोग और महत्व है। बुद्धि, स्मृति, चिंता आदि से संबंधित मापों या प्राप्तांकों को सामान्य संभावना वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। सामान्य संभावना वक्र की सहायता से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान उदाहरणों की सहायता से समझाया जा सकता है। अब सामान्य संभाव्यता वक्र के उपयोग देख सकते हैं। सामान्य संभाव्यता वक्र के उपयोग से हम बताई गई अर्थात दी गई सीमाओं के मध्य प्राप्तांक कितने प्रतिशत है उसे निश्चित कर सकते हैं। सामान्य वितरण में विभिन्न प्रतिशतों के मध्य के प्राप्तांकों की सीमाएं भी हम निश्चित कर सकते हैं। दो अतिव्यापी वितरणों की तुलना कर सकते हैं। दो प्राप्तांकों के अगर डेटा सेट होंगे तो उनके वितरण की भी हम तुलना सामान्य संभाव्यता के आधार पर कर सकते हैं। परीक्षण के प्रश्नों के कठिनाई स्तर को जानने के लिए भी सामान्य संभाव्यता वक्र उपयोगी है। सामान्य संभावना वक्र के आधार पर एक अंक वितरण जो विभिन्न उपसमूहों में विभाजित करता है, उसी प्रकार से मानक प्राप्तांकों की गणना करना भी सामान्य संभावना वक्र का एक अच्छा उपयोग है। इस प्रकार से सामान्य संभावना वक्र ये सांख्यिकी में उपयोग में लाई जाने वाली और मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में उपयोग में लाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है।